औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। चैप्टर नंबर आपका 6 है, माहौल और कुदरती वसाइल। ये चैप्टर क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसकी वजूहात और माहौल असरात लिखें। ग्रीन हाउस इफेक्ट, शीशे का बना हुआ कमरा जिसमें पौधे उगाए जाते हैं और सूरज से आने वाले शुआओं इस कमरे के अंदर दाखिल होती हैं। एक शीशे का एक कैबिन बना ले, उसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं और उस शीशे के जरिए उसके अंदर सूरज की शुआएं जाती है, जबकि कमरे के अंदर से लॉन्ग वेवलेंथ की शुआएं बाहर नहीं निकल जा सकती। इससे कमरे के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एटमोसफेयर में पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंसानी संती मुआशी और मुआशरती सरगर्मियों की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरन, कार्बन और मेथेन का तनासब ज्यादा हो रहा है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट से कुरा अर्थ के टेम्परेचर में इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के असरात, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के दर्ज ज़ैल असरात मरतब हो रहे हैं। कुरा अर्ज की आबोहवा में तब्दीलियां, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ के पिघलने और बारिश की वजह से समुन्द्र की सतह का बुलंद होना और साहली इलाकों का डूबना, ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से आपने याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। थैंक यू।